वेलकम बैक बच्चों। आगे के एमसीक्यू करेंगे वेव मोशन शीट के। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अ फेज ऑफ रिवर्सल ऑफ पाई मींस रिवर्सल ऑफ वेव वेलोसिटी, देर इज रिवर्सल ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, देर इज रिवर्सल ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव वेलोसिटी, देर इज रिवर्सल ऑफ मीडियम। तो मीडियम का कोई रिवर्सल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर फेज कोई वेव है इस तरह का, ठीक है, तो वो यहाँ पर रिजिड वॉल पे अगर वो कोलाइड करता है, तो ये पार्टिकल का इस मोमेंट पर अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाएगा, तो वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा रिवर्स, मतलब किसका, पार्टिकल का। तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स ऑप्शन होना चाहिए इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हेन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम देन, अब देखो रेयरर मीडियम है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको। ये देखिए कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन। कौन सी वेव है बच्चों? लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर रिजिड वॉल होगी तो होता क्या है, कॉम्प्रेशन के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं उनका कोलिजन होगा उस वॉल के साथ, रिजिड वॉल के साथ, और जैसे ही कोलिजन होता है पार्टिकल्स वापस से रिवर्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोलिजन होने पे ये वापस से पार्टिकल्स क्राउड ही होने वाले हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्रेशन मिलेगा। भले ही पार्टिकल का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, बट स्टिल वी गेट कॉम्प्रेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव रिवर्स डायरेक्शन में। सो कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन, लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो फेज चेंज होगा पाई रेडियन या 180 डिग्री, बट कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन इन केस ऑफ विच मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब अगर रेयरर मीडियम की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर वही कंप्रेशन इस तरफ गया है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पर है डेंसर से रेयरर मीडियम, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक पाइप कंसीडर कर लो, पाइप के अंदर ये पूरी वेव है, ठीक है, तो और ये पूरा एटमॉस्फेयर है, जैसे ही वेव पाइप से बाहर आएगी तो ये रेयर मीडियम हो जाएगा उस वेव के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कंप्रेशन है ये इस बाहर की एयर को प्रेस करेगा, जिससे यहाँ पर एक बड़ा खाली जगह क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी तो ये खाली जगह बन जाएगी ऐसे, तो ये सारे लेयर्स हो जाएंगे स्प्रेड, और ये कंप्रेशन का रिफ्लेक्शन हुआ एज अ रेयरफैक्शन। तो यहाँ पर जैसे था, अगेन फेज जो है फेज चेंज होगा 0 डिग्री, ठीक है, देर इज नो फेज चेंज, कौन से केस में, रेयर मीडियम के केस में, ठीक है, फेज चेंज नहीं होगा और कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन, वाइस वर्सा रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम देन कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्ट, अभी रेयर मीडियम है तो कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन, ऑप्शन देखो ऐसा कोई है क्या, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, शीट अपने सामने रखिए तो ज़्यादा आसान होगा। नॉट ओनली अ चेंज इन डायरेक्शन बट ऑल्सो अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन इज सफर्ड बाय अ साउंड वेव व्हेन इट सफर्स, अब देखो चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो फेज चेंज, साउंड वेव मतलब वापस यही कैटेगरी, तो फेज भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ये केस हो गई, देखो यहाँ पर फेज चेंज यहाँ तो है नहीं, तो डेंसर मीडियम होगा आंसर, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम द कॉम्प्रेशन इज रिटर्न्ड एज, बताओ अगर डेंसर मीडियम है तो कॉम्प्रेशन इज रिटर्न्ड एज रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन इज रिटर्न्ड एज कॉम्प्रेशन, तो इसके हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए 24 का सी। 25 देखते हैं।
The phenomena of interference is observed when two sources have same frequency and constant phase difference. हमने interference lesson already पढ़ा हुआ है theory में. याद रखो, दो waves के बीच में frequency same होना चाहिए, उनका phase difference constant होना चाहिए या zero होना चाहिए. In that case only there is interference. तो question number 25 का answer है C. Question number 26 देखते हैं. In Queen's tube, Queen's tube is used as both interferometer and filter. याद रखो, Queen's tube का use कर सकते हैं interferometer के लिए. देखो, दो ऐसा हमने diagram देखा था Queen's tube का. ये इस तरह की Queen's tube है, C shape में. और इसके ऊपर एक और ट्यूब है. ठीक है, और यहाँ से अगर साउंड जाएगा, ये साउंड के एंट्री के लिए और ये एग्जिट के लिए जगह. ठीक है, यहाँ से साउंड एंटर करेगा तो इस दोनों तरफ से साउंड पास होगा. ये वेव जाएगी इतना डिस्टेंस, ये वेव जाएगी इतना डिस्टेंस. यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, इन दोनों का जो भी पाथ डिफरेंस होगा उस हिसाब से एक तो मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू वेव्स. ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा. इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, मूवेबल ट्यूब्स है तो ये डिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं. सो दैट क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म होगा जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा. दूसरा, ये फिल्टर की तरह भी काम कर सकता है. फिल्टर मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर आउट करने का काम. ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर होना चाहिए. इस हिसाब से 26 का आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. इन क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट द डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड इज ड्यू टू, ऑब्वियस बात है यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब सुपरपोजिशन होता है, तो ऑप्शन होना चाहिए 27 का सी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. 28, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा 1, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा 2. दो वेव्स दिया है हमको, सुपर इम्पोज तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है, या फिर तुम लोग वेक्टर में हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा था वो भी यूज़ कर सकते हो. अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फेज डिफरेंस बीटा 1 माइनस बीटा 2. तो इस हिसाब से ऑप्शन है उसका ए, फॉर्मूला है, याद रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेस आर, तो बीट फॉर्मेशन में दो सोर्सेस के फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, और एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, तो उस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए इसका, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड इज सेम, ऑप्शन होगा ए. 30 क्वेश्चन, द बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग द टू ट्यूनिंग फोक्स टुगेदर, इफ वैक्स इज पुट ऑन वन एनी वन द फोक्स देन बीट पीरियड. अच्छा, अभी यहाँ पर है ना, ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में. इसका न्यूमेरिकल्स भी हमने बोर्ड के क्लासेस में किए हैं. तो ये देखो, ये ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर करो, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क, मेरी डायग्राम तुमको पता ही है कैसी है ना. तो अभी इसको अगर फाइलिंग करेंगे मतलब इसको घिस देंगे तो ये पतला हो जाएगा. पतला होते ही इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, और अगर इस पर वैक्स डालेंगे मतलब हम इसका वेट बढ़ा रहे हैं, तो वैक्स डालकर वेट बढ़ाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, ये अगर पॉइंट याद रखोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, वैक्स वाले और फाइलिंग वाले. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें पूछा है बीट्स आर प्रोड्यूस बाय टू ट्यूनिंग फोर्क साउंडिंग टुगेदर. ठीक है, इफ वैक्स इज पुट ऑन वन, अभी ये दो ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये एक और ये एक, दोनों को साथ में जब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी N1 है इसका N2 है, तो हम दोनों को साथ में करेंगे तो इनका बीट फ्रीक्वेंसी आएगा N1 - N2. ये हमको पता है बीट फ्रीक्वेंसी होता है N1 - N2. अगर इस पर क्या किया हमने, वैक्स डाल दिया इस पर डाला तो N1 बढ़ जाएगा. अच्छा, वैक्स डालने में N1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो ये घट के इसके बराबर हो सकता है, उस केस में बीट सुनाई ना दे. दूसरी, ये घट के ये अगर कम हो गया तो डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, डिफरेंस कम हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी. अगर इसकी जगह इस पर वैक्स डाल दो तो क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, ये उतना ही है, ये डिक्रीज हो गया, डिफरेंस बढ़ गया,
तो बिल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो बिल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है क्या? तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, मे डिक्रीज इंक्रीज और रिमेन सेम, क्वेश्चन नंबर 30, तो उसके हिसाब से ऑप्शन है 30 का डी। 31 देखते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट द फेनोमेना ऑफ बीट्स वी नीड टू सोर्सेज विच एमिट साउंड ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, हमने अभी डिस्कस किया था। तो 31 का आंसर है ऑप्शन ए। फेनोमेना ऑफ बीट्स इज ऑडिबल इफ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इज वेरी लार्ज, जीरो, मोर देन 20, लेस देन 20। तो याद रखो, जो दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स हैं उनके बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्मॉल होगा तभी हमको बीट सुनाई देती है। ऑडिबल बीट के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम होना चाहिए, तो जीरो तो नहीं हो सकता, और बहुत बड़ा होगा तो ये लॉजिक के अपोजिट है। मोर देन 20, लेस देन 20 में लेस देन 20 ये अपना करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि स्मॉल होना चाहिए, उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला दिया हमको वैक्सिंग एंड वैनिंग, मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसमें जहाँ पर आवाज़ बढ़ता है मैक्सिमम साउंड आता है, दैट इज वैक्सिंग, जहाँ आवाज़ कम होता है वो है वैनिंग। वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड इज नोटिसेबल इफ वैक्सिंग एंड वैनिंग रिपीट्स एट एन इंटरवल, तो उसका इंटरवल होना चाहिए मोर देन 1/10 सेकेंड, क्योंकि हम दो साउंड में डिस्टिंग्विश कब कर पाएंगे अगर उन दोनों में टाइम डिफरेंस होगा 1/10 सेकेंड का, दैट इज परसेप्शन ऑफ हियरिंग। तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 33 का। 34 देखते हैं, व्हेन बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड नियरली सेम फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम लाउडनेस हर्ड, तो हमने इसमें पढ़ा था अगर एक सोर्स का लाउडनेस L1 है दूसरे का L2 है तो दोनों का कंबाइन लाउडनेस होगा 4 टाइम्स जो भी L1 L2 या फिर लेट अस से L0 लेते हैं, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 4 टाइम्स L, तो उस हिसाब से 4 टाइम्स द लाउडनेस वाला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है, या आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। 35, व्हेन द बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी देन वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बीट्स, तो अभी देखो बीट भी तो साउंड ही तो है, साउंड का वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड ही होगा, तो ऑप्शन बी देखो 35 का इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, एट अ प्लेस ड्यू टू बीट्स ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेस ऑफ साउंड वेव्स विल ऑलवेज सुपरपोज सेम फेज, वेव विल ऑलवेज सुपरपोज इन अपोजिट फेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव चेंजेस विद टाइम। तो बीट का जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें जो फेज चेंज है वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड साउंडिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन इज, तो ये तो डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन है। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, जब दो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं, एक तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, तो उस केस में, या फिर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या दूर जाते हैं, इन सारे केसेस में क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट देन फ्रीक्वेंसी एमिटेड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तो उस हिसाब से ऑप्शन है 37 का भी डेफिनेशन है। 38 देखते हैं बच्चों, डॉपलर इफेक्ट पे बच्चों न्यूमेरिकल्स करना है अपने टेक्स्ट बुक से, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड MCQ आ सकते हैं, है ना। नहीं, अगर आपको उसमें टॉपिक कुछ समझता है तो आप मुझे मैसेज करिए या फिर मुझे कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर बोथ एट रेस्ट, अगर सोर्स ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वहाँ पर डॉपलर इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। डेफिनेशन ये है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच करेंगे या दूर जाएंगे तभी डॉपलर इफेक्ट होगा। ट्रेन का एग्जाम्पल देखो, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो, ट्रेन तेजी से आ रही है तो उसका हॉर्न अलग सुनाई देता है, और वही ट्रेन वहाँ रुकी है तो उसका हॉर्न जो है वो नॉर्मल सुनाई देता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आंसर है इसका, है ना। 38 का 39 देखते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स डिक्रीज विद टाइम देन इट शोज, अब देखो सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों नजदीक आ रहे हैं 39 में, है ना, ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर है ये अप्रोच कर रहा है, तो ये इमेजिन करो ये वेव है ऐसी, है ना, दोनों के बीच में, तो ये नज़दीक आने पे इस वेव को हमें क्या कर देना है, कॉम्प्रेस कर देना है, कॉम्प्रेस करने पे इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा,
तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन होना चाहिए इसका बी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यहाँ पर। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 40। अ बॉय मूव्स फ्रॉम अवे फ्रॉम स्टेडी सोर्स ऑफ साउंड एट कॉन्स्टेंट स्पीड, वॉट द साउंड ही हियर्स विल। अब देखो दूर जाएगा तो इसी के अपोजिट होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वेव मोशन टॉपिक खत्म होता है बच्चों। मैं कुछ एडिशनल शीट्स आपको लेटर ऑन प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना है। ये तो बेसिक शीट्स हो गए जो हमारा बेसिक और थियरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद कुछ और एडिशनल शीट्स है जिनका लेवल थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।